नो डाउट मक्का में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ फिर भी आपको गर्मी फील नहीं होती। मेन रीज़न ये है कि वहाँ इतने तेज़ एसी चल रहे होते हैं कि आपको गर्मी क्या उल्टा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन होटल से हरम तक का सफर वो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, अदरवाइज वहाँ भी उन्होंने वाटर स्प्रेज लगाए होते हैं, तो इट्स ऑल गुड। आज हमने दूसरा उमरा करना था और उसके लिए हमें मस्जिद आयशा जाना था। यहाँ पे वहाँ जाने के लिए फ्री बस सर्विसेज है, जो कि ऑलमोस्ट हर 2 मिनट बाद एक बस चल रही होती है, तो आपको कोई बस का इंतजार करना भी नहीं पड़ता। ये नंबर 12 बस है जो सीधा आपको मस्जिद आयशा के गेट के आगे उतारेगी। और इसका एक और प्रिविलेज ये भी है कि आपको जो भी पुश चेयर वगैरह है वो आप डायरेक्ट इसके ऊपर चढ़ा सकते हो, आपको उसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो बात अलग है कि बच्चे मेरे ने फिर भी मेरी गोद में ही चढ़ के बैठना है। जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ना मुस्तफा को प्राम में डालने की, उसको इतनी गर्मी लगती है वो रोना शुरू हो जाता है, एट द एंड मुझे उसको उठाना ही पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे के साथ आप उमरा कैसे कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक से ये दुआ करे कि जब आप उमरा कर रहे हो ये सो जाए और बस जिंदगी सुकून। नहीं, मजाक के अलावा सीरियस बात यह है कि आप बेबी की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो आप उसकी प्राम में अपने साथ रखें, और प्राम होना इज अ वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग। बेशक वो ज्यादा बैठे ना बैठे, लेकिन फिर भी आप उसमें अंदर बहुत सारा सामान रख सकते हैं उसका। मेडिसिन यानी पेनाडॉल तो आप बिल्कुल ना भूलें इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बेचारे थकावट में ज्यादा थक जाते हैं, तो उनको हर 4 घंटे के बाद पेनाडॉल देना इज फिजिबल। तो खैर एनीवेज, ये हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा मीकात में से एक है। बेसिकली यहाँ जाके हम लोग अहराम की नियत करते हैं, मर्द हजरात अहराम पहनते हैं, बांधते हैं, और फिर वहाँ पे अहराम के 2 रकात नफल पढ़े जाते हैं। हम लोग तकरीबन असर की नमाज पढ़ के चले थे और मगरिब फिर हमने मस्जिद आयशा में पढ़ी, और उसके बाद हम लोग वापस हरम आए। अब बस स्टॉप से मस्जिद हरम का इतना सफर है कि लाइक मैं क्या बताऊं, बंदा आधा तो वहीं पे पूरा हो जाता, मतलब कि 20 मिनट की तो सीधी सीधी ये वॉक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बहुत कंफर्टेबल शूज होने चाहिए, और वहाँ पे व्हील चेयर वाली फैसिलिटी भी मिल जाएगी फॉर दोज पीपल हु कांट वॉक। यहाँ दूर से ही आपको क्लॉक टावर नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ये रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के स्टॉल्स भी लगे होते हैं इन केस अगर आप कोई चीज मिस कर चुके हैं। अब ये क्लॉक टावर जितना नजदीक नजर आ रहा होता है ना, बंदा यहीं चलना शुरू कर दे तो आधा घंटा आपको सीधा लिटरली इधर जाते जाते लग जाता है। हम लोग यहाँ तक पहुंचे ही थे कि ईशा की अजान स्टार्ट होगी। मक्का में नमाज का ये असूल है कि आपको जहाँ पे भी अजान की आवाज सुनाई दी आपने वहीं पे अपने जानमाज बिछाने और वहीं पे नमाज अदा कर देनी। उन्होंने दूर सहन तक टाइल्स इस रुख में लगाई हुई है कि वो सीधा खाना काबा को फेस कर रही होती है। ये मैं दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, अब ये लड़का चुप करके बीच पे बैठा रहे और ये फुल कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह बाहर निकल आऊं। और यस, इस तरह का बैग अगर आपके पास है ना तो वो तो बहुत ही हैंडी है, अदरवाइज मतलब बंदा मेरी तरह मैं सोचती रहती थी सामान कहाँ रखूं। सहन में एंटर होते ही रज के आबे जमजम पिए और अपनी पानी वाली बॉटल्स ऑलरेडी अपने साथ भर के रख ले। मैं नमाज पढ़ते हुए मुस्तफा की प्राम अपने पैरेलल रखूंगी और उसका फेस अपनी तरफ रखूंगी ताकि उसको हौसला रहे कि उसकी माँ उसके सामने ही खड़ी है। ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता है कि अहराम की बहुत सारी शराइत होती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपका कोई बाल ना टूट जाए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दोस फैक्टर्स एज वेल। अब यहाँ पे ये भाई साहब जाग गए थे तो मैंने इसका मुंह अपनी तरफ कर लिया था। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग अंदर जा रहे थे तवाफे काबा के लिए, तो मैंने बाहर सेन में बैठ के इसका डायपर वगैरह चेंज किया, इसको फीड भी करवा लिया। वहाँ पे ना इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह से ना इस तरह के ग्रुप्स आए होते हैं जिन्होंने तकरीबन एक तरह के यूनिफॉर्म्स टाइप कपड़े पहने होते हैं। हम लोग गेट नंबर 79 से एंटर होते हैं क्योंकि ये हमेशा आपको खुला मिलेगा, बाकी हर गेट बंद हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा शॉपर आपके पास होना चाहिए ताकि मस्जिद में एंटर होने से पहले हम अपने शूज वगैरह संभाल लें। गेट 79 जो कि किंग फहद गेट है, इसे एंटर हो बरामदा क्रॉस करें और सीधा नीचे एस्केलेटर जारी होती है जो सीधा हरम के सहन में। हाँ, ऊपर ही एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर सब ने अपनी प्रैम्स छोड़ी होती है। इसको मैंने निकाल के बेल्ट में डाल लिया, प्रैम्स वो आपको नीचे लेके जाने नहीं देंगे, और ऊपर वाला चक्कर इतना बड़ा है कि नीचे के 6 चक्कर और ऊपर का 1 चक्कर। आई वुड प्रेफर कि नीचे तवाफ करना इज मोर बेटर कि आप ऊपर इतना बड़ा चक्कर लगाएंगे, बंदा बहुत थक जाता है उसमें। मैंने एक उमरा ऊपर किया था और उसमें हमें सीधे 5 घंटे लग गए थे। जब आप सहन में कदम रखेंगे और आगे आप काबा को देखेंगे वो इतना फैसिनेटिंग मोमेंट होता है। रेस्वत से स्टार्ट करके आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं, आप दुआएं मांगे, अल्लाह पाक का जिक्र करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें, लेकिन एक कोशिश ये करें कि इतनी आवाज में पढ़ें कि आपके साथ वालों की इबादत ना डिस्टर्ब हो। वहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह के ग्रुप्स आए हुए होते हैं, इतनी ऊंची आवाज से पढ़ रहे होते हैं कि वो हमारा अपना टेम्पो टूट जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र मुस्तफा तवाफ के टाइम्स हो गया था। यहाँ भी इसको मैंने बेल्ट से निकाल लिया था कि आप तवाफ बेशक बच्चे को हाथ में उठा के कर लें, लेकिन आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप सही बच्चे को हाथ में उठा के करें, क्योंकि वो एक इतना लंबा चक्कर है कि बंदा बहुत शदीद थक जाता है। मैं सोच रही थी कि यार माशाल्लाह इन लोगों की जॉब चेक करें, ये अल्लाह पाक के घर की सफाई कर रहे हैं। तवाफ के बाद 2 नफल मुकाम इब्राहिमी के करीब अदा करने होते हैं, और इस टाइम तक इतना रश हो चुका था कि मैं बता भी नहीं सकती। इसके बाद बारी आती है सफा मरवा। हम लोग वापस दोबारा ऊपर आए, वहां से प्राम उठाई। सही करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सेकंड फ्लोर पे करें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे इंतहा का रश होता है, लाइक आपको चलने की भी सही तरह जगह नहीं मिलती। बस फिर सफा मरवा के 7 चक्कर पूरे करें और एट द एंड आपने बाल काटने, और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र उमरा अदा हो गया। अल्लाह पाक हमारा उमरा और हमारी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। और इस टाइम पे इतनी हैवी किस्म की भूख लगी होती है, और इस टाइम इतना गुस्सा आता है ना कि अगर ये सोया हुआ जाग जाए तो खैर। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।